बिग बॉस हाउस में आखिर नॉमिनेशन की घड़ी आ चुकी है, जहां अनिल कपूर ने बोला था कि आप जिसे भी नॉमिनेट करना चाहते हैं आप उसे आई हेट यू का टैग लगा के उन पे व्हाइट फॉर्म लगा सकते हैं। सही बताओ तो बिग बॉस हाउस में किसी को भी किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी को खास ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि सना सुल्तान कटारिया को नहीं पसंद करती है, वो उन्हें बहुत बदतमीज लगते हैं। शिवानी उन्हें बदतमीज लगती है, हाँ कटारिया को भी सना सुल्तान नहीं पसंद है। विशाल को कृतिका नहीं पसंद है, शिवानी को अरमान मलिक नहीं पसंद है, कृतिका नहीं पसंद करती है सना मकबूल को, साई केतन को नहीं पसंद है सना मकबूल, और सना मकबूल को भी साई केतन नहीं पसंद है स्टार्टिंग से। कृतिका को विशाल नहीं पसंद, नेजी को कृतिका नहीं पसंद। मैंने बोला था ना कि यहाँ किसी को किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई यहाँ पे एग्जिस्ट करता भी है, कोई यहाँ पे इतना खास किसी को पसंद ही नहीं करता है, सब यहाँ अपने मतलब से है। अब शिवानी की सना सुल्तान से इतनी गंदी वाली लड़ाई हुई थी कि भाई मत ही पूछो। सना बोलती है कि जब रणबीर आएंगे तो वो बर्तन मांझ लेंगे। जैसे शिवानी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो अपने से बड़े के बारे में ऐसी बोल रही है, तब शिवानी सना को बदतमीज बोलती है कि अगर तुम हमारे यहाँ ऐसे किसी को बोल दो बड़े को कि जब वो आ जाएगा वो बर्तन मांझ देगा, वहाँ तो बवाल हो जाएगा। तब सना सुल्तान बोलती है अगर तुम पूरे घर में वोट भी करने जाओ ना कि यहाँ बदतमीज कौन है सबसे ज्यादा, सब तुम्हें ही बताएंगे, तुम्हारी जैसी लड़कियों को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बदतमीज माना जाता है। सना सुल्तान बोलती है मेरे घर वालों ने इंशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी तरबियत दी है। तब शिवानी गुस्से में बोलती है हमारी माँ ने भी हमें बहुत अच्छे से इज्जत सिखाई है, बट तुम जैसे को हम इज्जत देना पसंद नहीं करते हैं। भाई सभी शिवानी बहुत ज्यादा ही तगड़ा लड़ती है, जब ये लोगों से लड़ती है ना बहुत ही स्वैग आता है तगड़ा वाला, ये जब भी लड़ती है ना सीरियसली बहुत ज्यादा मजा आता है। जैसे कि जब अरमान से शिवानी की लड़ाई हुई थी बहुत मजा आया, सना सुल्तान से लड़ाई हुई थी शिवानी की तगड़ा, सना सुल्तान को बोलने लायक नहीं छोड़ा था। रणवीर के साथ तो लिटरली आमतौर पे लड़ाइयां होती ही रहती हैं इसकी। कृतिका मलिक के साथ लड़ाई हुई थी वो भी तगड़ा हुआ था, पायल मलिक के साथ भी हो गई थी, बट हाँ पायल मलिक जल्दी ही चले गई, कोई बात नहीं अगर वो रहती तो पक्का उनकी लड़ाइयां होती ही होती। भाई साहब ये लड़की किसी को नहीं छोड़ी आज तक लड़ने के लिए, आज तक समझ के बाहर हो गया है ये है क्या। ये तो बाकी बहुत मजा आएगा बिग बॉस में, बिग बॉस में ये शिवानी जीत पाएंगी या नहीं कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें लिटरली नहीं पता, कोई हिंट ही नहीं है कि कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सीरियसली कोई खेलता ही नहीं है, सारे एक दूसरे से लड़ने में लगे रहते हैं। बट हाँ शिवानी की काफी अच्छी जम रही है विशाल के साथ, कटारिया के साथ और सना मकबूल के साथ, वो जब देखो इनके चार की टीम रहती रहती है, और अब उसमें नेजी भी ऐड हो चुका है। इन पांचों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है, और खासकर मतलब इनकी मेनली जो तीन जोड़ी है विशाल की कटारिया की और शिवानी की, इनमें बहुत अच्छा बॉन्ड है, शायद इनका बॉन्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता है। ये बिग बॉस के बाहर भी ऐसे रहेंगे, बहुत अच्छी बात होगी। जो की जब नॉमिनेशन के टाइम पे चिट्ठी देने की बात आई थी तब शिवानी कटारिया और विशाल को किसी ने भी एक भी लेटर नहीं दिया था, बट हाँ इन तीनों ने एक दूसरे को जरूर दिया था। शिवानी को कटारिया ने दिया था, कटारिया को विशाल ने दिया था, विशाल को कटारिया ने दिया था, और शिवानी ने विशाल को दिया था। ये आपस में ही लेटर शेयर कर रहे थे, क्योंकि सीरियसली बिग बॉस हाउस में इन तीनों को इतना बदतमीज माना जाता है कि कोई इनसे बात करना भी नहीं पसंद करता है। बिग बॉस हाउस में विशाल को कटारिया का चेला माना जाता है, क्योंकि ये बात सही नहीं है, इनकी बॉन्ड बहुत अच्छी है। बट नेजी को लगता है कि इसमें विशाल की दोस्ती रियल है और कटारिया सिर्फ इनका पोपट काट रहा है। अब पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते कि ये रियल है या फेक, बट जो भी हो जिसको जो लगे कह सकते हैं। और इस बिग बॉस हाउस में अब की बार कौन जीतेगा कोई आइडिया नहीं है, कोई हिंट भी नहीं है। अगर आपको किसी को थोड़ी भी हिंट हो तो जरूर बताना मुझे भी, क्योंकि इस चीज को सोच सोच के मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका है। तो ये तमाशा तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि तमाशे कभी खत्म ही नहीं होते हैं बिग बॉस हाउस में। तो भाई लोग आप किसे वोट करने वाले हैं और आपकी क्या राय है इस तमाशे के बारे में कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले तमाशे में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।